नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा आज देश के दो विभूतियों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आज के ही दिन दोनों विभूतियों का लोकावतरण हुआ था। बिहार में बेहतर निष्पक्ष चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग पूरी तरह तैयार है। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। पटना में मीडिया के साथ बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने सभी आवश्यक बिंदुओं पर खुलासा किया। चुनाव की चुनौतियों से पहले ही विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए अपने कार्यकर्ताओं को मनाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। अब टिकट बंटवारा को लेकर एनडीए यूपीए तथा नव गठित तीसरा कुनवा के लिए जुगत तेज हो गया है। भाजपा जदयू के बीच पटना समेत कुछ अन्य सीटों के लिए मान मनोबल का सिलसिला जारी है। भाजपा के लिए पारंपरिक सीट का त्याग आसान नहीं, लेकिन जदयू का अपना अलग फार्मूला है। अनिवार्य सेवा में लगे लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। इनमें 15 अनिवार्य सेवा शामिल किए गए हैं। सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने का आदेश निर्वाचन आयोग ने दिए हैं। नफरत या भड़काऊ बयान देने एवं दिखलाने पर कार्रवाई का निर्देश आयोग द्वारा जनहित में दिया गया है। पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया है। जो क्षेत्र नक्सल प्रभावित है वहां 4 बजे शाम तक ही वोटों की प्रक्रिया होगी। ऐसे 26 विधानसभा क्षेत्रों की सूची तैयार कर ली गई है। इधर राजद ने अब तक अपने 17 विधायकों समेत 48 को हरी झंडी दे दी है। लालू प्रसाद ने रांची स्थित जेल से ही लिस्ट को फाइनल कर दिया है। इधर चुनाव आयोग द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद बिहार में सभी स्तरों पर चुनाव कार्य में लगने वाले कर्मियों के प्रशिक्षण की तैयारी की जा रही है। 2 चरणों में ट्रेनिंग दी जाएगी, 2 फेज में ट्रेनिंग होगी। रालोसपा चीफ उपेंद्र कुशवाहा को भरोसा है कि नए गठबंधन में सीटों का फार्मूला 2 दिनों में तय हो जाएगा। वैसे रालोसपा 150 सीटों पर अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। मोकामा, मसौढ़ी, पालीगंज, बाढ़ और विक्रम विधानसभा क्षेत्र में अभी तक एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया है। आज गांधी जयंती पर अवकाश घोषित है। 8 अक्टूबर तक उपरोक्त सभी क्षेत्रों के लिए नामांकन किए जाएंगे। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज।